हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसको कवर करेंगे। मैंने आपको इस चैप्टर की नोट्स बना के दिया हुआ है। उस नोट्स के अंदर आपको पॉलिनोमियल एलजेब्रा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स, वेरिएबल्स, डिग्रीज, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में बना के दिया हुआ है। पहले आप नोट्स लिख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कवर करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 1, और मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से भी कवर कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने हमारा एलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1 वेरिएबल। अब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक से ज़्यादा ABCD वाले अल्फाबेट आपको दिखाई दें तो वो होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स उसके अंदर होते हैं, तो वो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के हम उसमें कैटेगराइज करते हैं। तो पूरे जो पूरा जो सम है उस सम के अंदर कोई ABCD का एक ही अल्फाबेट आएगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर पूरे सम में दो अल्फाबेट्स आते हैं तो उसको बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, और अगर दो और दो से ज़्यादा आते हैं या 3 से ज़्यादा आते हैं या 4 से ज़्यादा आते हैं तो हम जनरली उसको पॉलिनोमियल इन मैनी वेरिएबल्स बोल लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, तो मैं सिर्फ राइट करूँगा अगर एक वेरिएबल आता होगा तो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7, राइट। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x अकेला ही आ रहा है तो ये 1 वेरिएबल हुआ, राइट। फिर यहां पे देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर y² + √2, वैसे तो y² अकेला, मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर y अकेले ही आ रहा है, एक ही अल्फाबेट है, दूसरा अल्फाबेट नहीं है, तो ये 1 वेरिएबल हुआ। अल्फाबेट का मतलब होता है वेरिएबल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही अल्फाबेट आ रहा है, वैसे तो कभी भी पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में या शर्ड में नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ पे दिया है, बट हम तो सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टी आ रहा है और यहाँ पे भी टी है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल हुआ, राइट। फिर यहाँ पे देखो y + 2/y, राइट। अब देखो वाई की पावर यहाँ पे माइनस में हो जाती है, कभी भी वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। हमने कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल बताई थी आपको कि कभी भी वेरिएबल होते हैं अगर उनकी पावर माइनस में होती है, अगर वो किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के तौर पे आते हैं, या उनकी पावर फ्रैक्शन में होती है, या वेरिएबल्स को रूट में रखा जाता है, तो वो वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल नहीं कहे जाते, ठीक है। बट हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स ही देख रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही वेरिएबल है y, एक ही अल्फाबेट है, तो ये भी क्या हुआ, 1 वेरिएबल हुआ, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखो x है, y है और t है, तो ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हुआ। इसको हम टिक नहीं करेंगे, राइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा था, ओनली 1 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये ट्राई वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको जस्ट बताना था कि 1 वेरिएबल है कि नहीं। अभी हम सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में क्या होगा, राइट द कोफिशियंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब x² के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स हैं वो आपको बताने हैं, कि x² के लेफ्ट साइड में या x² के बाजू में कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो आपको बताने हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में x² के बाजू में कुछ नहीं है तो आपको 1 मान लेना है, तो पहले का आंसर 1 हो जाएगा। सेकेंड में देखो सिर्फ आपको x² ही देखना है, तो x² के बाजू में 1 है और 1 के आगे माइनस की साइन है, इसलिए -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x² के लेफ्ट साइड में π/2 है, तो π/2 आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम एक टर्म जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 0x2। तो एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या होगा, 0। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसमें से आपको वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल्स देखो कौन कौन से हैं, x है और x है, तो कौन से वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो देखो इस वाले x की पावर कितनी हो रही है, हाईएस्ट हो रही है, इसीलिए इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं और यहाँ पे y की पावर 2 है और इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 2 पावर वही हाईएस्ट पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो t के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, जब भी डिग्री की बात आए आपको हमेशा वेरिएबल ही देखना होता है, तो यहाँ पे देखो t के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो t की पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 के बाजू में तो कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसकी आप डिग्री कुछ बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स ही नहीं है। और अगर अगर आपको बताना भी है तो जैसे मान लेता हूँ मैं कि y लिख लेता हूँ इसके पीछे और y की पावर क्या मान लेता हूँ, 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। इस तरीके से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं और डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को भी कैटेगराइज करते हैं। अभी हमने डिग्री तो फाइंड कर लिया, मगर इनके पॉलिनोमियल के नाम लिखना बाकी है। अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक। यहाँ पे देखो डिग्री 3 है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर डिग्री 2 है तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और यहाँ पे डिग्री 1 है इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिग्री 1 है इसलिए इसके रूट भी 1 होंगे, डिग्री 2 है तो इसके रूट भी 2 होंगे और डिग्री 3 है तो इसके रूट भी 3 होंगे। रूट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई वेरिएबल की वैल्यू जो वैल्यूबल रखने पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू, ये मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब एक्स की ऐसी क्या क्या वैल्यू रखें हम कि वो वैल्यू रखने पर ये पूरा टर्म है वो 0 हो जाए, तो उस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसके जीरोज बोलते हैं। अगर क्यूबिक डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे और उसके रूट्स कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे और उसके रूट्स 2 निकलेंगे। डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे और उसके रूट्स निकलेंगे 1। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 1 को इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि जो बच्चे वैकेशन में हैं उनको भी ये कवर हो जाए और आपका भी थोड़ा सा पोर्शन कवर हो जाए। नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज नंबर टू कवर करके दिखाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।